हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसके आंसर आपको देना है। देखिए, सबसे पहले कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, है ना, कहाँ जाते हैं बताइए। तो हम या तो हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर के पास, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद जब आपको चोट लगती है तो आपकी मम्मी या दादी क्या करती है, ना, दवा लगाती है, उपचार करती है, घरेलू उपचार कर देती है बहन। फिर जब नहीं ठीक होते तो आप कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर के पास। फिर एक और क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपने कभी घरेलू उपचार का नाम सुना है जो घर में किए जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई चोट लग गया, हाथ कट गया हो तुरंत में, तो मम्मी दादी क्या करती है, हल्दी लगा देती है, तो ब्लड जो है, खून आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है ये हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ही इस पाठ में क्या बताया गया ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए, इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह बताना है कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए कैसे और कैसे महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। इसे अपनाकर न केवल हम रोगों का उपचार कर सकते हैं बल्कि आजीवन स्वस्थ भी रह सकते हैं, है ना। सभी चिकित्सा प्रणालियों में यह सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। यह न केवल उपचार की पद्धति है बल्कि जीवन पद्धति है। इसे औषधि विहीन उपचार पद्धति भी कहा जाता है, है ना। यह पूर्ण रूपेण प्रकृति के सामान्य नियमों पर आधारित है। इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता, है ना, बुरा प्रभाव नहीं होता। इस पाठ में हमने प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आहार चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, है ना, फिर मृदा चिकित्सा, जल चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, है ना, तो इस मतलब चिकित्सा मतलब इलाज की जानकारी दी है, है ना। उसके बाद जो आप लोग हैं इसे पढ़कर ना केवल प्राकृतिक पद्धति के बारे में जानेंगे बल्कि उससे अपना कर लाभान्वित भी होंगे, यानी उसको अपनाएंगे तो लाभ भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ही इस पाठ में यह बताया गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा उसके तरीकों की जानकारी बताई गई है, और उसके बाद उपचार के माध्यम से हमें कैसे लाभ हानि प्राप्त होती है यह भी बताया गया है। तो देखिए, आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। 91 नंबर का पेज आप लोग निकालेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली बुक है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आओ पढ़े। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं। चिकित्सक यानी होता है डॉक्टर, वह हमें दवा देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन कई बार फिर वही रोग उत्पन्न हो जाता है और हमें फिर से चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। फिर से रोग उत्पन्न हो जाता है और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कई बार हमारे शरीर पर इन दवाइयों का दुष्परिणाम परिलक्षित होता है। परिलक्षित होना यानी दिखाई देना। तो कई बार कोई मतलब दवा सूट नहीं करती हमको, तो उसके बुरे परिणाम सामने दिखाई देने लगते हैं, जिस कारण हम दूसरे रोग की चपेट में आ जाते हैं, यानी हमको दूसरा रोग लग जाता है। इनसे बचने के लिए हमारे पास चिकित्सा की अन्य विधियां भी उपलब्ध हैं, जिनके अंतर्गत रोगों का इलाज दवाइयों की बजाय अन्य पद्धतियों से किया जाता है। इनसे जहां एक ओर रोग का निदान यानी उपचार स्थायी रूप से होता है, वहीं दूसरी ओर इनका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता, यानी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारी एक पुरानी चिकित्सा प्रणाली है जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, अब ये क्या है, देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी अनूठी प्रणाली है जिसके माध्यम से न केवल हमारे शारीरिक रोगों का निदान होता है बल्कि व्यक्ति में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों का रचनात्मक विकास भी होता है। इस प्रणाली को विदेशों में भी मान्यता यानी कि स्वीकृति मिल रही है। ब्रिटिश नेचुरोपैथी एसोसिएशन ने भी इसे स्वीकार किया है, है ना। इस सब अंडरलाइन करते जाएंगे आप लोग, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके घोषणा पत्र के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर के भीतर उपस्थित महत्वपूर्ण उपचारात्मक शक्ति के अस्तित्व को मान्यता देती है। यह मानव शरीर में उपस्थित अवांछित यानी कि अनावश्यक या गैर जरूरी और अप्रयुक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों के निदान का रास्ता सुझाती है, यानी कि जो रोग है वो कैसे दूर हो जाए ये हमें सुझाव देती है। अब देखिए आगे, प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषताएं कौन कौन सी, इसकी विशेषताएं हैं। पहले फर्स्ट वाले में देखिए, सभी रोगों का कारण एक ही होता है इसलिए उनका उपचार भी एक ही है, है ना। उसके बाद अस्वस्थ रहना सभी, है ना। फिर अगला है, रोग का प्राप्त
प्राथमिक कारण शरीर में रोग पैदा करने वाले तत्वों का संचय है। यही तत्व शरीर में जीवाणुओं और विषाणुओं के प्रजनन और पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे, रोगों का निदान इन संचित अवांछित तत्वों के उन्मूलन से ही संभव है। इनके बाहर जाते ही जीवाणु और विषाणुओं का प्रजनन और पोषण समाप्त हो जाता है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट है, गंभीर और पुराने रोग गलत चिकित्सा और दमन का परिणाम होते हैं। अगला पॉइंट उन्मूलन यानी होता है नाश या समाप्ति। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद होती है जो शरीर को रोगों से बचाती है ना। हम लोग जैसे अभी कोरोना की बीमारी जो फैल रही है तो उससे हमको वो रोग ना हो करके हम क्या करते हैं कि कीटाणु हमारे में हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो करके हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कोई ना कोई दवा लेते हैं, है ना। उसके बाद देखिए प्राकृतिक चिकित्सा न केवल रोग का निदान होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत किसी भी जटिल और पुराने रोग का उपचार स्थायी रूप से संभव है, यानी हमेशा के लिए इलाज हो जाता है। ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उपचार भी करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आहारी उपचार है के सिद्धांत पर अमल किया जा सकता है। मतलब आहार की उपचार, मतलब कि आहार कैसा आहार हमको लेना चाहिए जिससे कि हमें बीमारियां ना हो, है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत उपचार के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में जानिए। सबसे पहला है यहाँ पर आहार चिकित्सा, तो इसको हम देख लेते हैं। इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार भोजन ही चिकित्सा है। हमारे द्वारा लिए जाने वाले आहार पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। इस कारण भोजन संतुलित सुपाच्य यानी कि अच्छी तरह से पचा हुआ और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। ताजे मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार भोजन को तीन भागों में बांटा गया है। अब फर्स्ट में देख लीजिए निष्कर्षक आहार, इसमें सम्मिलित है नींबू का रस, नारियल पानी, वनस्पतियों का रस, छाछ, गेहूं की घास का रस आदि। ये शरीर में मौजूद विकारी तत्वों का बाहर निकालने का काम करते हैं। सेकंड है सुखदायक आहार, इसमें सम्मिलित है फल, सलाद, उबली सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि। ये शरीर को विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व तो प्रदान करते हैं। अब तीसरा है रचनात्मक आहार, इसमें है आटा, चावल, दालें, दूध, दही आदि। ये शरीर को पोषण, मुख्य पोषण प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि बॉक्स में लिखा है, देखिए पता लगाइए और बताइए कि फल, सलाद, उबली सब्जियां, अंकुरित अनाज और हरी सब्जियों का सेवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ना, ये आपको पता लगाना है। तो आज की कक्षा हम आपको पाठ समझ में आया होगा, समाप्त करने जा रहे हैं आज की कक्षा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पाठ को अच्छे से पढ़ना है, पीछे पाठ के बारे में दिया है वो भी आपको पढ़ना है जब पाठ समाप्त हुआ है तो, और जितने भी मीनिंग आई है वो लिखना है और एक बार इसको अच्छे से पढ़ के रखना है। तो आज की कक्षा हम ये समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।